बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गोलगप्पे बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। बारीक सूजी 1 कप, मैदा आधा कप और नीम गर्म पानी। सबसे पहले आप सूजी डाल लीजिए, फिर इसके बाद मैदा, इसको आप पहले अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। फिर इसको आप नीम गर्म पानी से गूंद लें। बिल्कुल आटे की तरह आपने इसको गूंद लेना है। इसे अच्छी तरह से गूंदने के बाद आप इसे इस तरह से कवर कर दें। या कोई टी टॉवल गीला करके उसके साथ आप ढक दें और इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए आप छोड़ दें। आधा घंटा हो चुका है, अब आप इसकी पतली सी रोटी बना लें। पहले आप थोड़ा सा खुशका डाल लें। रोटी बेलने के बाद आप कोई भी इस तरह का कटर ले लें या कोई ग्लास या इस तरह का ढक्कन जिसकी मदद से आप गोलगप्पे की शेप बना सकेंगे। इस तरह से आप शेप बना लें। इस तरह से आप काट लें और किसी बर्तन में थोड़ा सा खुशका रखकर ऊपर आप सारे ये गोलगप्पे रख दें। इस तरह से आप सारे बनाकर इसको आप कवर कर लें। इस तरह से फिर ये खुश्क नहीं होंगे। दूसरी तरफ मैंने तेल को गर्म कर लिया। अब इसको मैं बनाती जाऊंगी। इस तरह से आपने तल लेने हैं सारे।
इस तरह से आप बना के निकाल लें। इस तरह से आप नीचे दबाएंगे वो फूलकर ऊपर आएगा। सारे गोलगप्पे मैंने बना लिए हैं। गोलगप्पे बनाने के बाद आपने इसे 2 घंटे के लिए ढकना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे ढक देंगे तो ये नरम और सौगी हो जाएंगे। लीजिए, गोलगप्पे तैयार हैं। इसे आप उबले चने और आलू के साथ सर्व कीजिए, और साथ खजूर की खट्टी मीठी चटनी, खट्टा इमली का पानी और सब्ज चटनी, जिसकी रेसिपीज मैं आपको पहले वीडियोज में बता चुकी हूँ, इसके साथ आप सर्व कीजिए। ये आज मैंने स्पेशली अपनी एक बहन समीरा जुबैर, जो कि आयरलैंड में रहती है, उसकी रिक्वेस्ट पर बनाए हैं। और आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।